हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बड़वाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरू जॉट ऑफ ब्लॉग। ये है दोस्तों 2023 Hyundai Venue E मॉडल, यानी कि बेस मॉडल। क्या क्या फीचर्स इसमें अवेलेबल कराए गए हैं, एक एक करके आपको यहां पे दिखाने वाला हूं। और जिसके लिए मैं आया हूं हुंडई शोरूम सुबान साई हुंडई, जो कि गोकुलपुरी में लोकेटेड है। और यहाँ मैं मिला हूँ मिस्टर विजय से, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप चेकआउट कीजिएगा एक बेटर डील के लिए। और ये है हुंडई वेन्यू ई मॉडल का फ्रंट प्रोफाइल, काफ़ी शानदार, बहुत ही बोल्ड एग्रेसिव लग रहा है, ब्लैक कलर में बहुत ही शानदार लग रहा है। और वहीं हेडलैम्प यूनिट में सबसे ऊपर आपको 3 डॉट्स दिए गए हैं, हेलोजन बल्ब, टर्न इंडिकेटर और एक छोटा सा आपको दिया गया है डे टाइम रनिंग लाइट। और साथ ही नीचे बहुत ही स्क्वायरिश शेप में आपको यहां पे प्रोवाइड किया गया है हेडलैम्प यूनिट, वो भी हेलोजन बल्ब के साथ, हाई बीम लो बीम के साथ। बहुत ही शानदार क्रोम गार्निश दिया गया है। फॉग लैम्प किसी भी वेरियंट में अवेलेबल नहीं कराया गया है। वहीं फ्रंट ग्रिल में डार्क क्रोम का यूज किया गया है, बीच में हुंडई का लोगो, जस्ट इसके नीचे रेक्टेंगुलर शेप डिजाइन दिया गया है और यहाँ पे ब्लैक कलर का स्लैट्स दिए गए हॉरिजॉन्टली। और नीचे आपको स्किड प्लेट दिया गया है सिल्वर गार्निशिंग में। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। वहीं सस्पेंशन फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट विद कॉइल स्प्रिंग, रियर में दिया गया कपल टोर्जन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। वहीं इसके साइड प्रोफाइल में 15 इंच के स्टील व्हील विद ब्लैक कलर का व्हील कवर दिया गया। व्हील साइज है 195/65R15। और फेंडर पे दिया गया है टर्न इंडिकेटर और ब्लैक कलर का यहाँ पे ORBM दिया गया है मैनुअली एडजस्टेड। फ्रंट में वाइपर नॉर्मल आपको मिल जाते हैं। वहीं रूफ लाइनिंग की अगर हम बात करें तो इस वेरिएंट में रूफ रेल नहीं अवेलेबल कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। वहीं डोर वाइजर आपको यहाँ पे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल कराया गया है। ग्रैब हैंडल बॉडी कलर में और इसके साथ ही डोर मोल्डिंग दिया गया है प्रोटेक्शन के तौर पे। और चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको दिया गया है माइक्रो एंटीना और इसके अलावा इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैंप प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहां पे चेकआउट कर सकते हैं। डिफॉकर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और कन्वेंशनल टेल लैंप यूनिट प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और बीच वाला पार्ट रिफ्लेक्टर का पार्ट है। टॉप वेरिएंट में कनेक्टिंग टेल लैंप यूनिट प्रोवाइड किया गया है। बीच में हुंडई का लोगो, वेन्यू की वैजिंग दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और नीचे नंबर प्लेट की जगह रियर बम्पर आपको ब्लैक कलर में दोनों रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स पार्किंग लाइट अवेलेबल कराया गया है रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के साथ। वहीं स्किड प्लेट आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में दिया गया है। इंटीरियर दिखाने से पहले आपको की दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे नॉर्मल की दिया है और इसे हाथ से ही खोलना पड़ेगा। ओपन करते ही यहाँ पे ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, फ्रंट डोर पे पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो ब्लैक एंड बीज फिनिश में। डोर लॉक पे आपको सिल्वर गार्निशिंग दिया गया है और यहां पे मैनुअली एडजस्टेड ORBM के कंट्रोल ऑफर किया गया है। सेंटर लॉकिंग आपको ऑफर किया गया है। 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर आपको यहां पे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा क्योंकि इसमें अवेलेबल नहीं कराया गया इस वेरियंट में। और ग्रैब हैंडल यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा बीज फिनिश में, कुछ इस तरह। नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर थोड़ी चीजेगा। और वहीं डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो ड्यूल टोन डैशबोर्ड लेआउट दिया गया है, कुछ इस तरह का बेस वेरिएंट में, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड दिया गया है यहाँ पे हेडलैम्प लेबलर का बटन और नीचे डेट पेडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। और इसके अलावा आपको इंटीरियर में फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है ड्यूल टोन में और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। इस वेरिएंट में हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं आते हैं दोस्तों। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं सेंटर कंसोल की, तो यहाँ पे दिया गया है आपको कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, 2 कप होल्डर, ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है, 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल ब्लैक थीम में, जस्ट इसके चारों ओर सिल्वर फिनिश दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा यहाँ पे आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है और जस्ट इसके नीचे 12 वोल्ट का चार्जर, सी पोर्ट, चार्जिंग पोर्ट और कुछ इस तरह AC के कंट्रोल। और यहाँ पे हजार्ड लैंप और इंफोटेनमेंट सिस्टम इस वेरिएंट में आपको नहीं अवेलेबल कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। सेंटर में AC वेंट पे आपको सेटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है। वहीं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको डिजिटल में दिया गया है, बेस मॉडल में भी ड्राइव असिस्ट रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराया गया है। वहीं 3-स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील जिसके राइट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन दिए गए हैं। वहीं ग्लोव बॉक्स आपको यहाँ पे दिया गया है कुछ इस तरह, जस्ट सफिशियंट जगह।
और उसके ऊपर स्टोरेजेस दिए गए हैं। पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। सेंटर में आपको कैबिन लाइट नहीं प्रोवाइड किया गया है इस वेरिएंट में। डे नाइट IRBM जरूर प्रोवाइड किया गया है। ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ओपन कर लेते हैं रियर डोर को और यहाँ पे भी ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, और लेकिन यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल अवेलेबल नहीं कराया गया है। मैनुअली एडजस्टेड विंडो के कंट्रोल अप एंड डाउन आप कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल कुछ इस तरह, नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह। स्पीकर आपको एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। ऊपर सेटिन सिल्वर फिनिश में डोर लॉक, काफी अच्छी खासी स्पेस। हाइट एडजस्टेबल, 3 हेडरेस दिए गए हैं रियर पैसेंजर्स के लिए। 3-पॉइंट सीट बेल्ट भी दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए, और रियर सीट को आप यहाँ पे जो है रिक्लाइन कर सकते हैं 1 स्टेप, और पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है। चलिए अब अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट आपको नहीं मिलते हैं। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो बेस मॉडल का जो है डैशबोर्ड लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, काफी शानदार, अमेजिंग। और इसके अलावा चारों ओर आपको यहाँ पे फिक्स्ड ग्रैब हैंडल दिया गया है ड्राइवर सीट को छोड़कर। यहाँ पे कोट हुक भी दिया गया है कुछ इस तरह, और वहीं आपको यहाँ पे कैबिन लाइट आपको रियर में दिया गया है, फ्रंट में नहीं दिया गया है बेस मॉडल में, और भी हैलोजन बल्ब के रूप में। लेग रूम, नी रूम काफी डिसेंट दिया गया है। हेडरूम भी काफी इनफ है दोस्तों, जिसके लिए बिग थम्स अप। और वहीं बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। ओपन करते ही आपको 350 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है। पार्सल ट्रे इसमें अवेलेबल नहीं कराया गया है। दूर से दिखा देता हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों, और चलिए आप पास से दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट दिया गया है, जिसे स्प्लिट करके आप इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और जस्ट इसके अंडरनीथ दिया गया आपको स्पेयर व्हील टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। इनर साइड आपको ग्रैब हैंडल मिलते हैं, ग्रैब करके बूट गेट सेट कर सकते हैं। वहीं हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा पेट्रोल इंजन प्रोवाइड किया गया है, जो कि 82 BHP की पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 18 KMPL की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो Hyundai Venue E यानी वेस मॉडल में प्रोवाइड किया गया है दोस्तों ड्यूल एयरबैग, ABS with EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3-पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, डे नाइट IRBM, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, रिटर्नल एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, क्रैश सेंसर्स, इंजन चेकिंग वार्निंग, डोर अजर वार्निंग जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों अपडेटेड Hyundai Venue वेस मॉडल की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव, वॉक अराउंड, कंपेरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।